हमारे लिए हिंदुस्तान समुद्र है, इसमें सब लोग हैं, एक साथ ये मिलकर चलता है, उनके लिए हिंदुस्तान प्रोडक्ट है। जैसे उनके प्रेसिडेंट कहते हैं सोने की चिड़िया है, और प्रोडक्ट का पूरा फायदा उनके चंद 10, 15, 20 मित्रों को मिलना चाहिए। यह फर्क है। हम मनरेगा करते हैं, हम किसान की कर्जा माफी की बात करते हैं, 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं। राजस्थान में गहलोत जी ने किया, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, पंजाब में किया, कर्नाटक में किया, और नरेंद्र मोदी जी किसान को भाषण देते हैं, उनसे वायदे करते हैं, और फिर 3.5 लाख करोड़ रुपए अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या का कर्जा माफ करते हैं। देश को 15-20 लोगों के लिए चलाते हैं। यह लड़ाई है। हम कहते हैं देश सबका है और न्याय सबको मिलना चाहिए। किसान को न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, छोटे दुकानदारों को न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। वो कहते हैं ना, किसान आत्महत्या करे तो ठीक है, पूरी देश की जनता लाइन में बैंक के सामने खड़े हो जाए, लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, गब्बर सिंह टैक्स लागू करना है तो करेंगे, 5 टैक्स लागू करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको नुकसान हो किसको ना नुकसान हो, फायदा 10-15 लोगों को होना चाहिए। और ये नया नारा निकला है, चौकीदार, और ये कहीं भी बोल दो, आप कहीं भी जाके बोलो, चौकीदार जवाब मिलता है चोर, चौकीदार चोर, और पूरा पहला काम सेवा दल से माफी मांगने का करता है। और क्यों आप पूछोगे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट अपने ही संगठन कांग्रेस पार्टी के प्यारे संगठन से उनके अधिवेशन में माफी क्यों मांग रहा है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि जो आपकी जगह है कांग्रेस पार्टी के परिवार में, जो आपकी जगह है, जो आपको आदर मिलना चाहिए, वो आदर आपको नहीं मिला है। और मैं एक पर्सनल माफी भी मांगना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस नहीं सुनिए मैंने कांग्रेस पार्टी की ओर से आपसे माफी, मगर मैं आपसे पर्सनल माफी भी मांगना चाहता हूं। आज अभी लाइनअप में सेवा दल के जो बिहार के चीफ हैं, उन्होंने मुझसे एक बात बोली, उन्होंने मुझसे बोला कि बिहार में बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जबरदस्त मीटिंग हुई, लाखों लोग आए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने युवा कांग्रेस का नाम लिया, महिला कांग्रेस का नाम लिया, एनएसयूआई का नाम लिया, मगर सेवा दल का नाम नहीं लिया। तो मैं आपके सामने अपनी गलती मंजूर करता हूं और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि यह कभी नहीं होने वाला है आज के बाद। और इसका कारण है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के रक्षक, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूथ कांग्रेस नहीं है, एनएसयूआई नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं है, सेवा दल है। तो
तो आपको मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आप हमारा सबसे जरूरी संगठन हो और मैं चाहता हूं और मैं ये करूंगा कि जो आदर आपको मिलना चाहिए चाहे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से हो चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर से हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट से हो वो आपको मिलेगा। अब मैंने आपसे माफी मांगी, मैं शिकायत भी करना चाहता हूं कि परिवार जिस प्रकार से सेवा दल को जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए उस प्रकार, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले की बात कर रहा हूं, उस प्रकार सेवा दल ने काम भी नहीं किया। अब एक नई शुरुआत करनी है। कांग्रेस पार्टी सेवा दल को अपना सबसे जरूरी संगठन मान के चलेगी, मगर सेवा दल कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत संगठन बन के दिखाएगी। इसका मतलब कि लाखों नए युवाओं को सेवा दल में लाना पड़ेगा। जब आंधी आएगी, तूफान होगा, तो वहां पे सेवा दल के लोग या आपकी जो सफेद वर्दी है, सफेद टोपी है, वहां पे हजारों में दिखाई देनी चाहिए। जहां भी हिंदुस्तान को चोट पहुंचती है, दर्द होता है, जहां आरएसएस नफरत फैलाती है, जहां आरएसएस बांटने का काम करती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाती है, जैसे अभी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में आग लगा दी, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आग लगा दी, जहां भी आग लगाएंगे वहां प्यार के साथ आग को बुझाएंगे। मैं आपकी पूरी रक्षा करूंगा, आपका अपमान नहीं होगा और आपको हम सबसे जरूरी संगठन बनाएंगे, मगर आपको आरएसएस के खिलाफ पूरे दम से, जहां वो नफरत फैलाते हैं वहां आप प्यार फैलाओ, जहां लाठी चलाते हैं आप जाके गले लगो। आपने पार्लियामेंट हाउस में देखा, एक तरफ नरेंद्र मोदी मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं, गाली देते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी का अपमान करते हैं, कहते हैं कांग्रेस पार्टी को मिटा दूंगा, और कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट लोकसभा में जाके उनसे गले मिलता है। और आपने उनका चेहरा देखा होगा, भाइयों और बहनों, नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत को प्यार ही काट सकती है। और मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला, जब मैं गले मिला, मेरे दिल में उनके लिए नफरत नहीं थी। और मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब मैं उनसे गले मिला, उनके अंदर जो नफरत थी, उस नफरत को मेरे प्यार ने दबा लिया। और मैंने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में देखा, पार्लियामेंट में देखा, उन्होंने मेरी ओर देखा, और उनके अंदर जो नफरत थी उसको वो संभाल नहीं पाए, हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, मेरी नफरत को प्यार ने कैसे काट दिया। और इस बात को हर आरएसएस के व्यक्ति ने देखा,
देश के हर व्यक्ति ने देखा कि नफरत को एक सेकंड में प्यार काट देती है। और यह गांधी जी ने कहा, और यह आपकी हिस्ट्री, आपका इतिहास है। और मैं सेवा दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। यह इस देश का इतिहास है, इस देश की हिस्ट्री है। और आप देख लीजिए, सेवा दल की बात कीजिए, गांधी जी की बात कीजिए, अंबेडकर जी की बात कीजिए, उससे पीछे जाइए, वीरों की बात कीजिए, जिनको हम भगवान मानते हैं उनकी बात कीजिए। यह देश नफरत का देश नहीं है, यह देश प्यार का देश है। और यह आपका काम है, यह आपकी जिम्मेदारी है। आपको हम जगह देंगे, आपको हम आदर देंगे, मगर आपको कांग्रेस पार्टी को रास्ता दिखाना पड़ेगा। जो आप ट्रेनिंग पहले करते थे, जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति करता है, दूर दूर से लोग आते हैं, कहते हैं मैंने 3 दिन की सेवा दल की ट्रेनिंग की, उसके बाद मेरे खून में कांग्रेस पार्टी का, मेरा खून कांग्रेस पार्टी का हो गया, मेरा डीएनए बदल दिया। यह काम आपका काम है। और जो आप पहले करते थे वो आपको आज करना है, करना ही पड़ेगा। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ऐसी बड़ी मीटिंग की, चर्चा की, विचारधारा की बात की। मैं आपको बधाई देता हूं और मैं आपको आने वाले समय के लिए अपनी और कांग्रेस पार्टी की पूरी शक्ति देता हूं। नफरत, देखिए, नफरत डर का दूसरा रूप होता है। डर के बिना नफरत नहीं हो सकती। जिसको लोग नफरत कहते हैं वो सचमुच में डर होती है। ये आप में उनमें फर्क है, ये नरेंद्र मोदी जी में मुझमें फर्क है। मुझमें और आप में नफरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर डर नहीं है। वो अपना डर दिखा नहीं सकते हैं, और डर को छुपाने के लिए वो नफरत दिखाते हैं। और ये सब आरएसएस के लोगों की बात है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और यह रास्ता गांधी जी ने दिखाया था। गांधी जी के सामने दुनिया का सुपर पावर खड़ा है, कोई आवाज है, हवाई जहाज नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई धन नहीं। ठीक है, चश्मे की जरूरत थी तो चश्मा पहनते थे, छोटी सी घड़ी थी, अंग्रेजों के सामने खड़े होकर अंग्रेजों को हरा दिया। यह है कांग्रेस पार्टी, यह है सेवा दल। और उसी समय, अभी मुझे बताया गया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अंग्रेजों ने सेवा दल को बैन किया। कौन से साल बैन किया, किस साल बैन किया? 1927 में अंग्रेजों ने सेवा दल को बैन किया, कहा कि हिंदुस्तान में संगठन नहीं हो सकता है, इसको खत्म करो। जैसे मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, वैसे अंग्रेजों ने कहा सेवा दल मुक्त भारत। आरएसएस को बैन नहीं किया अंग्रेजों ने, मगर सेवा दल को बैन किया। और गांधी जी सालों जेल में रहे, और हमारे नेताओं की लिस्ट निकालो, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अंबेडकर, आजाद,
Subhash Chandra Bose, Patel ji, sabke liye nikalo. Unke samne likha hai 15 saal jail, 10 saal jail. Kisi ne maafi nahi mangi angrezon se. Inme se ek vyakti ne angrezon ke samne aise haath jodkar maafi nahi mangi. Savarkar ji ne ek ke baad ek nau baar angrezon se maafi mangi, kyunki dar tha unme. Us dar ko Gandhi ji ne mitaya. Savarkar ji dar ko nahi mita paaye, isliye nafrat bahar nikli. Gandhi ji ne dar ko mitaya, pyar bahar nikla. To aapko yahi karna hai. Darne ki koi zarurat nahi. Hum harayenge inko 2019 mein, harayenge, mitayenge nahi. Hum mitayenge nahi. Hum inko khatam nahi karenge, inka qatl nahi karenge, inko marenge nahi, magar harayenge aur pyar se harayenge. To aap sabka main phir se dhanyawad karna chahta hu. Aur main desh mein kone kone mein aapki safed topi, aapki vardi dekhna chahta hu. Jahan aandhi ho, tufaan ho, hinsa ho, nafrat ho, wahan main Seva Dal ko dekhna chahta hu aur aapke pyar ko wahan dekhna chahta hu. Aap sabko bahut bahut dhanyawad. Namaskar. Jai Hind. Hello. Congress Party. Congress Party. आज देश में विचारधारा की लड़ाई, एक तरफ आरएसएस, बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा. वो नफरत फैलाते हैं, वो सुबह उठकर हाफ पैंट पहनकर लाठी उठाते हैं और हम देश को जोड़ने का काम करते हैं. हम प्यार और मोहब्बत से काम करते हैं. ये बेसिक फर्क है. बड़े बड़े भाषण होते हैं नरेंद्र मोदी जी के, देश को बदलना है, 70 साल में कुछ नहीं हुआ. लाल किले से कहते हैं मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था, मतलब गांधी जी ने कुछ नहीं किया, सरदार पटेल जी ने कुछ नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी, देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स, देश की जनता, देश के किसान, देश के मजदूर, देश के छोटे दुकानदार, इन्होंने कुछ नहीं किया. नरेंद्र मोदी आया और फिर उसने हिंदुस्तान में काम शुरू किया. यह इनकी मेंटालिटी है, इनकी सोच है. और इनको यह भी समझ नहीं आता है कि जब ये ऐसे बोलते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं कर रहे हैं. देश के हर नागरिक, देश के हर व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं. और कांग्रेस पार्टी बोलती है, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमारे नेता बोलते हैं. गांधी जी के कोट्स आप पढ़िए, सरदार पटेल जी के बारे में पढ़िए, अंबेडकर जी, नेहरू जी, इनके बारे में पढ़िए. ये सब बोलते हैं जो भी देश में होता है वो देश करता है, जो भी देश में होता है वो देश का किसान करता है, देश का मजदूर करता है, देश का युवा करता है, देश की माताएं बहनें करती हैं. तो इनके लिए हिंदुस्तान एक प्रोडक्ट है, हमारे लिए हिंदुस्तान समुद्र है.
इसमें सब लोग हैं, एक साथ ये मिलकर चलता है, उनके लिए हिंदुस्तान प्रोडक्ट है। जैसे उनके प्रेसिडेंट कहते हैं सोने की चिड़िया है, और प्रोडक्ट का पूरा फायदा उनके चंद 10, 15, 20 मित्रों को मिलना चाहिए। यह फर्क है। हम मनरेगा करते हैं, हम किसान की कर्जा माफी की बात करते हैं, 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं। राजस्थान में गहलोत जी ने किया, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, पंजाब में किया, कर्नाटक में किया, और नरेंद्र मोदी जी किसान को भाषण देते हैं, उनसे वायदे करते हैं, और फिर 3.5 लाख करोड़ रुपए अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या का कर्जा माफ करते हैं। देश को 15-20 लोगों के लिए चलाते हैं। यह लड़ाई है। हम कहते हैं देश सबका है और न्याय सबको मिलना चाहिए। किसान को न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, छोटे दुकानदारों को न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। वो कहते हैं ना, किसान आत्महत्या करे तो ठीक है, पूरी देश की जनता लाइन में बैंक के सामने खड़े हो जाए, लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, गब्बर सिंह टैक्स लागू करना है तो करेंगे, 5 टैक्स लागू करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको नुकसान हो किसको ना नुकसान हो, फायदा 10-15 लोगों को होना चाहिए। और ये नया नारा निकला है, चौकीदार, और ये कहीं भी बोल दो, आप कहीं भी जाके बोलो, चौकीदार जवाब मिलता है चोर, चौकीदार चोर, और पूरा देश जानता है कि चौकीदार ने चौकीदारी अनिल अंबानी की 15-20 उद्योगपतियों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की नहीं की, उल्टा चौकीदार ने इनसे चोरी करके उनको पैसा दिया है। अब ये सेवा दल का प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा मैं सेवा दल के बारे में बोलना चाहता हूं, और कांग्रेस प्रेसिडेंट आज स्टेज से पहला काम सेवा दल से माफी मांगने का करता है। और क्यों आप पूछोगे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट अपने ही संगठन कांग्रेस पार्टी के प्यारे संगठन से उनके अधिवेशन में माफी क्यों मांग रहा है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि जो आपकी जगह है कांग्रेस पार्टी के परिवार में, जो आपकी जगह है, जो आपको आदर मिलना चाहिए, वो आदर आपको नहीं मिला है। और मैं एक पर्सनल माफी भी मांगना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी की ओर से आपसे माफी, मगर मैं आपसे पर्सनल माफी भी मांगना चाहता हूं। आज अभी लाइनअप में सेवा दल के जो बिहार के चीफ है, उन्होंने मुझसे एक बात बोली, उन्होंने मुझसे बोला कि बिहार में बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जबरदस्त मीटिंग हुई, लाखों लोग आए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने युवा कांग्रेस का नाम लिया, महिला कांग्रेस का नाम लिया, एनएसयूआई का नाम लिया, मगर सेवा दल का नाम नहीं लिया। तो मैं आपके सामने अपनी गलती मंजूर करता हूं, और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि ये कभी नहीं होने वाला है आज के बाद। और इसका कारण है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के रक्षक, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं,
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूथ कांग्रेस नहीं है, एनएसयूआई नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं है, सेवा दल है। तो आपको मैं यहां आश्वासन देना चाहता हूं कि आप हमारा सबसे जरूरी संगठन हो, और मैं चाहता हूं और मैं ये करूंगा कि जो आदर आपको मिलना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से हो, चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर से हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट से हो, वो आपको मिलेगा। अब मैंने आपसे माफी मांगी, मैं शिकायत भी करना चाहता हूं कि परिवार जिस प्रकार से सेवा दल को जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए, उस प्रकार मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले की बात कर रहा हूं, उस प्रकार सेवा दल ने काम भी नहीं किया। अब एक नई शुरुआत करनी है। कांग्रेस पार्टी सेवा दल को अपना सबसे जरूरी संगठन मान के चलेगी, मगर सेवा दल कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत संगठन बन के दिखाएगी। इसका मतलब कि लाखों नए युवाओं को सेवा दल में लाना पड़ेगा। जब आंधी आएगी, तूफान होगा, तो वहां पे सेवा दल के लोग या आपकी जो सफेद वर्दी है, सफेद टोपी है, वहां पे हजारों में दिखाई देनी चाहिए। जहां भी हिंदुस्तान को चोट पहुंचती है, दर्द होता है, जहां आरएसएस नफरत फैलाती है, जहां आरएसएस बांटने का काम करती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाती है, जैसे अभी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में आग लगा दी, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आग लगा दी, जहां भी आग लगाएंगे वहां प्यार के साथ आग को बुझाएंगे। मैं आपकी पूरी रक्षा करूंगा, आपका अपमान नहीं होगा, और आपको हम सबसे जरूरी संगठन बनाएंगे, मगर आपको आरएसएस के खिलाफ पूरे दम से, जहां वो नफरत फैलाते हैं वहां आप प्यार फैलाओ, जहां लाठी चलाते हैं आप जाके गले लगो। आपने पार्लियामेंट हाउस में देखा, एक तरफ नरेंद्र मोदी मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं, गाली देते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी का अपमान करते हैं, कहते हैं कांग्रेस पार्टी को मिटा दूंगा, और कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट लोकसभा में जाके उनसे गले मिलता है। और आपने उनका चेहरा देखा होगा, भाई और बहनों, नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत को प्यार ही काट सकती है। और मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला, जब मैं गले मिला, मेरे दिल में उनके लिए नफरत नहीं थी। और मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब मैं उनसे गले मिला, उनके अंदर जो नफरत थी, उस नफरत को मेरे प्यार ने दबा लिया। और मैंने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में देखा, पार्लियामेंट में देखा, उन्होंने मेरी ओर देखा, और उनके अंदर जो नफरत थी,
उसको संभाल नहीं पाए, हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, मेरी नफरत को प्यार ने कैसे काट दिया। और इस बात को हर आरएसएस के व्यक्ति ने देखा, देश के हर व्यक्ति ने देखा कि नफरत को एक सेकंड में प्यार काट देती है। और यह गांधी जी ने कहा, और यह आपकी हिस्ट्री है, आपका इतिहास है। और मैं सेवा दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। यह इस देश का इतिहास है, इस देश की हिस्ट्री है। और आप देख लीजिए, सेवा दल की बात कीजिए, गांधी जी की बात कीजिए, अंबेडकर जी की बात कीजिए, उससे पीछे जाइए, वीरों की बात कीजिए, जिनको हम भगवान मानते हैं उनकी बात कीजिए। यह देश नफरत का देश नहीं है, यह देश प्यार का देश है। और यह आपका काम है, यह आपकी जिम्मेदारी है। आपको हम जगह देंगे, आपको हम आदर देंगे, मगर आपको कांग्रेस पार्टी को रास्ता दिखाना पड़ेगा। जो आप ट्रेनिंग पहले करते थे, जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति करता है, दूर दूर से लोग आते हैं, कहते हैं मैंने 3 दिन की सेवा दल की ट्रेनिंग की, उसके बाद मेरे खून में कांग्रेस पार्टी का, मेरा खून कांग्रेस पार्टी का हो गया, मेरा डीएनए बदल दिया। यह काम आपका काम है। और जो आप पहले करते थे वो आपको आज करना है, करना ही पड़ेगा। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ऐसी बड़ी मीटिंग की, चर्चा की, विचारधारा की बात की। मैं आपको बधाई देता हूं और मैं आपको आने वाले समय के लिए अपनी और कांग्रेस पार्टी की पूरी शक्ति देता हूं। नफरत, देखिए, नफरत डर का दूसरा रूप होता है। डर के बिना नफरत नहीं हो सकती। जिसको लोग नफरत कहते हैं वो सचमुच में डर होती है। ये आप में उनमें फर्क है, ये नरेंद्र मोदी जी में मुझ में फर्क है। मुझ में और आप में नफरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर डर नहीं है। वो अपना डर दिखा नहीं सकते हैं, और डर को छुपाने के लिए वो नफरत दिखाते हैं। और ये सब आरएसएस के लोगों की बात है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और ये रास्ता गांधी जी ने दिखाया था। गांधी जी के सामने दुनिया का सुपर पावर खड़ा है, कोई आवाज है, हवाई जहाज नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई धन नहीं। ठीक है, चश्मे की जरूरत थी तो चश्मा पहनते थे, छोटी सी घड़ी थी, अंग्रेजों के सामने खड़े होकर अंग्रेजों को हरा दिया। यह है कांग्रेस पार्टी, यह है सेवा दल। और उसी समय अभी मुझे बताया गया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अंग्रेजों ने सेवा दल को बैन किया। कौन से साल बैन किया, किस साल बैन किया? 1927 में अंग्रेजों ने सेवा दल को बैन किया, कहा कि हिंदुस्तान में संगठन नहीं हो सकता है, इसको खत्म करो। जैसे मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, वैसे अंग्रेजों ने कहा सेवा दल मुक्त भारत। आरएसएस को बैन नहीं किया अंग्रेजों ने,
मगर सेवा दल को बैन किया। और गांधी जी सालों जेल में रहे, और हमारे नेताओं की लिस्ट निकालो, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अंबेडकर, आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पटेल जी, सबकी लिस्ट निकालो, उनके सामने लिखा है 15 साल जेल, 10 साल जेल। किसी ने माफी नहीं मांगी अंग्रेजों से, इनमें से एक व्यक्ति ने अंग्रेजों के सामने ऐसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी। सावरकर जी ने एक के बाद एक 9 बार अंग्रेजों से माफी मांगी, क्योंकि डर था उनमें, उस डर को गांधी जी ने मिटाया। सावरकर जी डर को नहीं मिटा पाए, इसलिए नफरत बाहर निकली। गांधी जी ने डर को मिटाया, प्यार बाहर निकला। तो आपको यही करना है, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम हराएंगे इनको, 2019 में हराएंगे, मिटाएंगे नहीं, हम मिटाएंगे नहीं, हम इनको खत्म नहीं करेंगे, इनका कत्ल नहीं करेंगे, इनको मारेंगे नहीं, मगर हराएंगे, और प्यार से हराएंगे। तो आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं देश में कोने कोने में आपकी सफेद टोपी, आपकी वर्दी देखना चाहता हूं, जहां आंधी हो, तूफान हो, हिंसा हो, नफरत हो, वहां मैं सेवा दल को देखना चाहता हूं, और आपके प्यार को वहां देखना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हेलो, कांग्रेस पार्टी साथियों, मैं लालजी देसाई जी, राकेश पारेख जी, कांग्रेस पार्टी के सब मंत्री, एमएलएज, कांग्रेस पार्टी के नेता, सेवा दल के हमारे सब वॉलंटियर्स, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप दूर दूर से आए हैं, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। आज देश में विचारधारा की लड़ाई, एक तरफ आरएसएस, बीजेपी, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, वो नफरत फैलाते हैं, वो सुबह उठकर हाफ पैंट पहनकर लाठी उठाते हैं, और हम देश को जोड़ने का काम करते हैं, हम प्यार और मोहब्बत से काम करते हैं, ये बेसिक फर्क है। बड़े बड़े भाषण होते हैं नरेंद्र मोदी जी के, देश को बदलना है, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लाल किले से कहते हैं मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था, मतलब गांधी जी ने कुछ नहीं किया, सरदार पटेल जी ने कुछ नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी, देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स, देश की जनता, देश के किसान, देश के मजदूर, देश के छोटे दुकानदार, इन्होंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी आया और फिर उसने हिंदुस्तान में काम शुरू किया,
ये इनकी मेंटेलिटी है, इनकी सोच है। और इनको ये भी समझ नहीं आता है कि जब ये ऐसे बोलते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं कर रहे हैं, देश के हर नागरिक, देश के हर व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी बोलती है, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमारे नेता बोलते हैं, गांधी जी के कोट्स आप पढ़िए, सरदार पटेल जी के बारे में पढ़िए, अंबेडकर जी, नेहरू जी, इनके बारे में पढ़िए, ये सब बोलते हैं जो भी देश में होता है वो देश करता है, जो भी देश में होता है वो देश का किसान करता है, देश का मजदूर करता है, देश का युवा करता है, देश की माताएं बहनें करती हैं। तो इनके लिए हिंदुस्तान एक प्रोडक्ट है, हमारे लिए हिंदुस्तान समुद्र है, इसमें सब लोग हैं, एक साथ ये मिलकर चलता है, उनके लिए हिंदुस्तान प्रोडक्ट है। जैसे उनके प्रेसिडेंट कहते हैं सोने की चिड़िया है, और प्रोडक्ट का पूरा फायदा उनके चंद 10 15 20 मित्रों को मिलना चाहिए। यह फर्क है। हम मनरेगा करते हैं, हम किसान की कर्जा माफी की बात करते हैं, 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं, राजस्थान में गहलोत जी ने किया, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, पंजाब में किया, कर्नाटक में किया, और नरेंद्र मोदी जी किसान को भाषण देते हैं, उनसे वायदे करते हैं, और फिर 3.5 लाख करोड़ रुपए अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या का कर्जा माफ करते हैं। देश को 15-20 लोगों के लिए चलाते हैं, यह लड़ाई है। हम कहते हैं देश सबका है और न्याय सबको मिलना चाहिए, किसान को न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, छोटे दुकानदारों को न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। वो कहते हैं ना, किसान आत्महत्या करे तो ठीक है, पूरी देश की जनता लाइन में बैंक के सामने खड़े हो जाए, लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, गब्बर सिंह टैक्स लागू करना है तो करेंगे, 5 टैक्स लागू करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको नुकसान हो किसको ना नुकसान हो, फायदा 10-15 लोगों को होना चाहिए। और ये नया नारा निकला है, चौकीदार, और ये कहीं भी बोल दो, आप कहीं भी जाके बोलो, चौकीदार जवाब मिलता है चोर, चौकीदार चोर, और पूरा देश जानता है कि चौकीदार ने चौकीदारी अनिल अंबानी की 15-20 उद्योगपतियों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की नहीं की, उल्टा चौकीदार ने इनसे चोरी करके उनको पैसा दिया है। अब ये सेवा दल का प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा मैं सेवा दल के बारे में बोलना चाहता हूं। और कांग्रेस प्रेसिडेंट आज स्टेज से पहला काम सेवा दल से माफी मांगने का करता है, और क्यों आप पूछोगे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट अपने ही संगठन कांग्रेस पार्टी के प्यारे संगठन से उनके अधिवेशन में माफी क्यों मांग रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि जो आपकी जगह है कांग्रेस पार्टी के परिवार में, जो आपकी जगह है, जो आपको आदर मिलना चाहिए, वो आदर आपको नहीं मिला है। और मैं एक पर्सनल माफी भी मांगना चाहता हूं, मैंने कांग्रेस पार्टी की ओर से आपसे माफी, मगर मैं आपसे पर्सनल माफी भी मांगना चाहता हूं। आज अभी लाइनअप में सेवा दल के जो बिहार के चीफ है, उन्होंने मुझसे एक बात बोली, उन्होंने मुझसे बोला
कि बिहार में बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जबरदस्त मीटिंग हुई, लाखों लोग आए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने युवा कांग्रेस का नाम लिया, महिला कांग्रेस का नाम लिया, एनएसयूआई का नाम लिया, मगर सेवा दल का नाम नहीं लिया। तो मैं आपके सामने अपनी गलती मंजूर करता हूं और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि यह कभी नहीं होने वाला है आज के बाद। और इसका कारण है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के रक्षक, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूथ कांग्रेस नहीं है, एनएसयूआई नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं है, सेवा दल है। तो आपको मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आप हमारा सबसे जरूरी संगठन हो और मैं चाहता हूं और मैं ये करूंगा कि जो आदर आपको मिलना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से हो, चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर से हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट से हो, वो आपको मिलेगा। अब मैंने आपसे माफी मांगी, मैं शिकायत भी करना चाहता हूं कि परिवार, जिस प्रकार से सेवा दल को जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए, उस प्रकार, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले की बात कर रहा हूं, उस प्रकार सेवा दल ने काम भी नहीं किया। अब एक नई शुरुआत करनी है। कांग्रेस पार्टी सेवा दल को अपना सबसे जरूरी संगठन मान के चलेगी, मगर सेवा दल कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत संगठन बन के दिखाएगी। इसका मतलब कि लाखों नए युवाओं को सेवा दल में लाना पड़ेगा। जब आंधी आएगी, तूफान होगा, तो वहां पे सेवा दल के लोग या आपकी जो सफेद वर्दी है, सफेद टोपी है, वहां पे हजारों में दिखाई देनी चाहिए। जहां भी हिंदुस्तान को चोट पहुंचती है, दर्द होता है, जहां आरएसएस नफरत फैलाती है, जहां आरएसएस बांटने का काम करती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाती है, जैसे अभी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में आग लगा दी, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आग लगा दी, जहां भी आग लगाएंगे वहां प्यार के साथ आग को बुझाएंगे। मैं आपकी पूरी रक्षा करूंगा, आपका अपमान नहीं होगा और आपको हम सबसे जरूरी संगठन बनाएंगे, मगर आपको आरएसएस के खिलाफ पूरे दम से, जहां वो नफरत फैलाते हैं वहां आप प्यार फैलाओ, जहां लाठी चलाते हैं आप जाके गले लगो। आपने पार्लियामेंट हाउस में देखा, एक तरफ नरेंद्र मोदी मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं, गाली देते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी का अपमान करते हैं, कहते हैं कांग्रेस पार्टी को मिटा दूंगा,
और कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट लोकसभा में जाके उनसे गले मिलता है। और आपने उनका चेहरा देखा होगा, भाइयों और बहनों, नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत को प्यार ही काट सकती है। और मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला, जब मैं गले मिला, मेरे दिल में उनके लिए नफरत नहीं थी। और मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब मैं उनसे गले मिला, उनके अंदर जो नफरत थी, उस नफरत को मेरे प्यार ने दबा लिया। और मैंने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में देखा, पार्लियामेंट में देखा, उन्होंने मेरी ओर देखा, और उनके अंदर जो नफरत थी उसको वो संभाल नहीं पाए, हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, मेरी नफरत को प्यार ने कैसे काट दिया। और इस बात को हर आरएसएस के व्यक्ति ने देखा, देश के हर व्यक्ति ने देखा कि नफरत को एक सेकंड में प्यार काट देती है। और यह गांधी जी ने कहा, और यह आपकी हिस्ट्री, आपका इतिहास है। और मैं सेवा दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। यह इस देश का इतिहास है, इस देश की हिस्ट्री है। और आप देख लीजिए, सेवा दल की बात कीजिए, गांधी जी की बात कीजिए, अंबेडकर जी की बात कीजिए, उससे पीछे जाइए, वीरों की बात कीजिए, जिनको हम भगवान मानते हैं उनकी बात कीजिए। यह देश नफरत का देश नहीं है, यह देश प्यार का देश है। और यह आपका काम है, यह आपकी जिम्मेदारी है। आपको हम जगह देंगे, आपको हम आदर देंगे, मगर आपको कांग्रेस पार्टी को रास्ता दिखाना पड़ेगा। जो आप ट्रेनिंग पहले करते थे, जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति करता है, दूर दूर से लोग आते हैं, कहते हैं मैंने 3 दिन की सेवा दल की ट्रेनिंग की, उसके बाद मेरे खून में कांग्रेस पार्टी का, मेरा खून कांग्रेस पार्टी का हो गया, मेरा डीएनए बदल दिया। यह काम आपका काम है। और जो आप पहले करते थे वो आपको आज करना है, करना ही पड़ेगा। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ऐसी बड़ी मीटिंग की, चर्चा की, विचारधारा की बात की। मैं आपको बधाई देता हूं, और मैं आपको आने वाले समय के लिए अपनी और कांग्रेस पार्टी की पूरी शक्ति देता हूं। नफरत, देखिए, नफरत डर का दूसरा रूप होता है। डर के बिना नफरत नहीं हो सकती। जिसको लोग नफरत कहते हैं वो सचमुच में डर होती है। ये आप में उनमें फर्क है, ये नरेंद्र मोदी जी में मुझ में फर्क है। मुझ में और आप में नफरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर डर नहीं है। वो अपना डर दिखा नहीं सकते हैं, और डर को छुपाने के लिए वो नफरत दिखाते हैं। और ये सब आरएसएस के लोगों की बात है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और ये रास्ता गांधी जी ने दिखाया था। गांधी जी के सामने दुनिया का सुपर पावर खड़ा है, कोई आवाज है, हवाई जहाज नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई धन नहीं,
ठीक है, चश्मे की जरूरत थी तो चश्मा पहनते थे, छोटी सी घड़ी थी, अंग्रेजों के सामने खड़े होकर अंग्रेजों को हरा दिया। यह है कांग्रेस पार्टी, यह है सेवा दल। और उसी समय अभी मुझे बताया गया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अंग्रेजों ने सेवा दल को बैन किया। कौन से साल बैन किया, किस साल बैन किया? 1927 में अंग्रेजों ने सेवा दल को बैन किया, कहा कि हिंदुस्तान में संगठन नहीं हो सकता है, इसको खत्म करो। जैसे मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, वैसे अंग्रेजों ने कहा सेवा दल मुक्त भारत। आरएसएस को बैन नहीं किया अंग्रेजों ने, मगर सेवा दल को बैन किया। और गांधी जी सालों जेल में रहे, और हमारे नेताओं की लिस्ट निकालो, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अंबेडकर, आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पटेल जी, सबकी लिस्ट निकालो, उनके सामने लिखा है 15 साल जेल, 10 साल जेल। किसी ने माफी नहीं मांगी अंग्रेजों से। इनमें से एक व्यक्ति ने अंग्रेजों के सामने ऐसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी। सावरकर जी ने एक के बाद एक 9 बार अंग्रेजों से माफी मांगी, क्योंकि डर था उनमें। उस डर को गांधी जी ने मिटाया। सावरकर जी डर को नहीं मिटा पाए, इसलिए नफरत बाहर निकली। गांधी जी ने डर को मिटाया, प्यार बाहर निकला। तो आपको यही करना है, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम हराएंगे इनको, 2019 में हराएंगे, मिटाएंगे नहीं, हम इनको खत्म नहीं करेंगे, इनका कत्ल नहीं करेंगे, इनको मारेंगे नहीं, मगर हराएंगे, और प्यार से हराएंगे। तो आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं देश में कोने कोने में आपकी सफेद टोपी, आपकी वर्दी देखना चाहता हूं। जहां आंधी हो, तूफान हो, हिंसा हो, नफरत हो, वहां मैं सेवा दल को देखना चाहता हूं, और आपके प्यार को वहां देखना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हेलो, कांग्रेस पार्टी। सो रहा था, मतलब गांधी जी ने कुछ नहीं किया, सरदार पटेल जी ने कुछ नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी, देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स, देश की जनता, देश के किसान, देश के मजदूर, देश के छोटे दुकानदार, इन्होंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी आया और फिर उसने हिंदुस्तान में काम शुरू किया। यह इनकी मेंटालिटी है, इनकी सोच है, और इनको यह भी समझ नहीं आता। मंत्री, एमएलएज, कांग्रेस पार्टी के नेता राकेश पारेख जी, कांग्रेस पार्टी के सब मंत्री, एमएलएज, कांग्रेस पार्टी के नेता, सेवा दल के हमारे सब वॉलंटियर्स, कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप दूर दूर से आए हैं, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। आज देश में
विचारधारा की लड़ाई, एक तरफ आरएसएस, बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। वो नफरत फैलाते हैं, वो सुबह उठकर हाफ पैंट पहनकर लाठी उठाते हैं और हम देश को जोड़ने का काम करते हैं। हम प्यार और मोहब्बत से काम करते हैं, ये बेसिक फर्क है। बड़े बड़े भाषण होते हैं नरेंद्र मोदी जी के, देश को बदलना है, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। लाल किले से कहते हैं मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था, मतलब गांधी जी ने कुछ नहीं किया, सरदार पटेल जी ने कुछ नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी, देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स, देश की जनता, देश के किसान, देश के मजदूर, देश के छोटे दुकानदार, इन्होंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी आया और फिर उसने हिंदुस्तान में काम शुरू किया। ये इनकी मेंटालिटी है, इनकी सोच है। और इनको यह भी समझ नहीं आता है कि जब ये ऐसे बोलते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं कर रहे हैं। देश के हर नागरिक, देश के हर व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी बोलती है, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमारे नेता बोलते हैं, गांधी जी के कोट्स आप पढ़िए, सरदार पटेल जी के बारे में पढ़िए, अंबेडकर जी, नेहरू जी, इनके बारे में पढ़िए, ये सब बोलते हैं जो भी देश में होता है वो देश करता है, जो भी देश में होता है वो देश का किसान करता है, देश का मजदूर करता है, देश का युवा करता है, देश की माताएं बहनें करती हैं। तो इनके लिए हिंदुस्तान एक प्रोडक्ट है, हमारे लिए हिंदुस्तान समुद्र है, इसमें सब लोग हैं, एक साथ ये मिलकर चलता है, उनके लिए हिंदुस्तान प्रोडक्ट है। जैसे उनके प्रेसिडेंट कहते हैं सोने की चिड़िया है, और प्रोडक्ट का पूरा फायदा उनके चंद 10-15-20 मित्रों को मिलना चाहिए। यह फर्क है। हम मनरेगा करते हैं, हम किसान की कर्जा माफी की बात करते हैं, 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं, राजस्थान में गहलोत जी ने किया, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, पंजाब में किया, कर्नाटक में किया। और नरेंद्र मोदी जी किसान को भाषण देते हैं, उनसे वायदे करते हैं और फिर 3.5 लाख करोड़ रुपए अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या का कर्जा माफ करते हैं। देश को 15-20 लोगों के लिए चलाते हैं, यह लड़ाई है। हम कहते हैं देश सबका है और न्याय सबको मिलना चाहिए, किसान को न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, छोटे दुकानदारों को न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। वो कहते हैं ना, किसान आत्महत्या करे तो ठीक है, पूरी देश की जनता लाइन में बैंक के सामने खड़े हो जाए, लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, गब्बर सिंह टैक्स लागू करना है तो करेंगे, 5 टैक्स लागू करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको नुकसान हो किसको ना नुकसान हो, फायदा 10-15 लोगों को होना चाहिए। और ये नया नारा निकला है चौकीदार, और ये कहीं भी बोल दो, आप कहीं भी जाके बोलो चौकीदार, जवाब मिलता है चोर, चौकीदार चोर। और पूरा देश जानता है कि चौकीदार ने चौकीदारी अनिल अंबानी की 15-20 उद्योगपतियों की
किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की नहीं की, उल्टा चौकीदार ने इनसे चोरी करके उनको पैसा दिया है। अब ये सेवा दल का प्रोग्राम है तो थोड़ा सा मैं सेवा दल के बारे में बोलना चाहता हूं। और कांग्रेस प्रेसिडेंट आज स्टेज से पहला काम सेवा दल से माफी मांगने का करता है। और क्यों आप पूछोगे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट अपने ही संगठन कांग्रेस पार्टी के प्यारे संगठन से उनके अधिवेशन में माफी क्यों मांग रहा है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि जो आपकी जगह है कांग्रेस पार्टी के परिवार में, जो आपकी जगह है, जो आपको आदर मिलना चाहिए, वो आदर आपको नहीं मिला है। और मैं एक पर्सनल माफी भी मांगना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी की ओर से आपसे माफी, मगर मैं आपसे पर्सनल माफी भी मांगना चाहता हूं। आज अभी लाइनअप में सेवा दल के जो बिहार के चीफ है उन्होंने मुझसे एक बात बोली। उन्होंने मुझसे बोला कि बिहार में बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जबरदस्त मीटिंग हुई, लाखों लोग आए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने युवा कांग्रेस का नाम लिया, महिला कांग्रेस का नाम लिया, एनएसयूआई का नाम लिया, मगर सेवा दल का नाम नहीं लिया। तो मैं आपके सामने अपनी गलती मंजूर करता हूं और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि यह कभी नहीं होने वाला है आज के बाद। और इसका कारण है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के रक्षक, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूथ कांग्रेस नहीं है, एनएसयूआई नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं है, सेवा दल है। तो आपको मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आप हमारा सबसे जरूरी संगठन हो। और मैं चाहता हूं और मैं ये करूंगा कि जो आदर आपको मिलना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से हो, चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर से हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट से हो, वो आपको मिलेगा। अब मैंने आपसे माफी मांगी, मैं शिकायत भी करना चाहता हूं कि परिवार, जिस प्रकार से सेवा दल को जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए, उस प्रकार, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले की बात कर रहा हूं, उस प्रकार सेवा दल ने काम भी नहीं किया। अब एक नई शुरुआत करनी है। कांग्रेस पार्टी सेवा दल को अपना सबसे जरूरी संगठन मान के चलेगी, मगर सेवा दल कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत संगठन बन के दिखाएगी। इसका मतलब कि लाखों नए युवाओं को सेवा दल में लाना पड़ेगा। जब आंधी आएगी, तूफान होगा, तो वहां पे सेवा दल के लोग
या आपकी जो सफेद वर्दी है, सफेद टोपी है, वहां पे हजारों में दिखाई देनी चाहिए। जहां भी हिंदुस्तान को चोट पहुंचती है, दर्द होता है, जहां आरएसएस नफरत फैलाती है, जहां आरएसएस बांटने का काम करती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाती है, जैसे अभी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में आग लगा दी, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आग लगा दी, जहां भी आग लगाएंगे वहां प्यार के साथ आग को बुझाएंगे। मैं आपकी पूरी रक्षा करूंगा, आपका अपमान नहीं होगा, और आपको हम सबसे जरूरी संगठन बनाएंगे, मगर आपको आरएसएस के खिलाफ पूरे दम से, जहां वो नफरत फैलाते हैं वहां आप प्यार फैलाओ, जहां लाठी चलाते हैं आप जाके गले लगो। आपने पार्लियामेंट हाउस में देखा, एक तरफ नरेंद्र मोदी मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं, गाली देते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी का अपमान करते हैं, कहते हैं कांग्रेस पार्टी को मिटा दूंगा, और कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट लोकसभा में जाके उनसे गले मिलता है। और आपने उनका चेहरा देखा होगा, भाइयों और बहनों, नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत को प्यार ही काट सकती है। और मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला, जब मैं गले मिला, मेरे दिल में उनके लिए नफरत नहीं थी। और मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब मैं उनसे गले मिला, उनके अंदर जो नफरत थी, उस नफरत को मेरे प्यार ने दबा लिया। और मैंने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में देखा, पार्लियामेंट में देखा, उन्होंने मेरी ओर देखा, और उनके अंदर जो नफरत थी उसको वो संभाल नहीं पाए, हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, मेरी नफरत को प्यार ने कैसे काट दिया। और इस बात को हर आरएसएस के व्यक्ति ने देखा, देश के हर व्यक्ति ने देखा कि नफरत को एक सेकंड में प्यार काट देती है। और यह गांधी जी ने कहा, और यह आपकी हिस्ट्री, आपका इतिहास है। और मैं सेवा दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, यह इस देश का इतिहास है, इस देश की हिस्ट्री है। और आप देख लीजिए, सेवा दल की बात कीजिए, गांधी जी की बात कीजिए, अंबेडकर जी की बात कीजिए, उससे पीछे जाइए, वीरों की बात कीजिए, जिनको हम भगवान मानते हैं उनकी बात कीजिए, यह देश नफरत का देश नहीं है, यह देश प्यार का देश है। और यह आपका काम है, यह आपकी जिम्मेदारी है। आपको हम जगह देंगे, आपको हम आदर देंगे, मगर आपको कांग्रेस पार्टी को रास्ता दिखाना पड़ेगा। जो आप ट्रेनिंग पहले करते थे, जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति करता है, दूर दूर से लोग आते हैं, कहते हैं मैंने 3 दिन की सेवा दल की ट्रेनिंग की, उसके बाद मेरे खून में कांग्रेस पार्टी का, मेरा खून कांग्रेस पार्टी का हो गया, मेरा डीएनए बदल दिया। यह काम आपका काम है, और जो आप पहले करते थे वो आपको आज करना है, करना ही पड़ेगा। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ऐसी बड़ी मीटिंग की, चर्चा की, विचारधारा की बात की।
मैं आपको बधाई देता हूं और मैं आपको आने वाले समय के लिए अपनी और कांग्रेस पार्टी की पूरी शक्ति देता हूं। नफरत, देखिए नफरत डर का दूसरा रूप होता है। डर के बिना नफरत नहीं हो सकती। जिसको लोग नफरत कहते हैं वो सचमुच में डर होती है। ये आप में उनमें फर्क है, ये नरेंद्र मोदी जी में मुझ में फर्क है। मुझ में और आप में नफरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर डर नहीं है। वो अपना डर दिखा नहीं सकते हैं और डर को छुपाने के लिए वो नफरत दिखाते हैं। और ये सब आरएसएस के लोगों की बात है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और ये रास्ता गांधी जी ने दिखाया था। गांधी जी के सामने दुनिया का सुपर पावर खड़ा है, कोई आवाज है, हवाई जहाज नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई धन नहीं। ठीक है, चश्मे की जरूरत थी तो चश्मा पहनते थे, छोटी सी घड़ी थी, अंग्रेजों के सामने खड़े होकर अंग्रेजों को हरा दिया। यह है कांग्रेस पार्टी, यह है सेवा दल। और उसी समय अभी मुझे बताया गया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अंग्रेजों ने सेवा दल को बैन किया। कौन से साल बैन किया, किस साल बैन किया? 1927 में अंग्रेजों ने सेवा दल को बैन किया, कहा कि हिंदुस्तान में संगठन नहीं हो सकता है, इसको खत्म करो। जैसे मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, वैसे अंग्रेजों ने कहा सेवा दल मुक्त भारत। आरएसएस को बैन नहीं किया अंग्रेजों ने, मगर सेवा दल को बैन किया। और गांधी जी सालों जेल में रहे। और हमारे नेताओं की लिस्ट निकालो, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अंबेडकर, आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पटेल जी, सबकी लिस्ट निकालो, उनके सामने लिखा है 15 साल जेल, 10 साल जेल। किसी ने माफी नहीं मांगी अंग्रेजों से। इनमें से एक व्यक्ति ने अंग्रेजों के सामने ऐसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी। सावरकर जी ने एक के बाद एक 9 बार अंग्रेजों से माफी मांगी, क्योंकि डर था उनमें। उस डर को गांधी जी ने मिटाया। सावरकर जी डर को नहीं मिटा पाए, इसलिए नफरत बाहर निकली। गांधी जी ने डर को मिटाया, प्यार बाहर निकला। तो आपको यही करना है, डरने की कोई जरूरत नहीं। हम हराएंगे इनको, 2019 में हराएंगे, मिटाएंगे नहीं, हम मिटाएंगे नहीं, हम इनको खत्म नहीं करेंगे, इनका कत्ल नहीं करेंगे, इनको मारेंगे नहीं, मगर हराएंगे और प्यार से हराएंगे। तो आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं देश में कोने कोने में आपकी सफेद टोपी, आपकी वर्दी देखना चाहता हूं। जहां आंधी हो, तूफान हो, हिंसा हो, नफरत हो, वहां मैं सेवा दल को देखना चाहता हूं और आपके प्यार को वहां देखना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
हेलो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी राकेश पारिक जी कांग्रेस पार्टी के सब मंत्री एमएलएज कांग्रेस पार्टी के नेता सेवा दल के हमारे सब वॉलंटियर्स कार्यकर्ता भाई और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत नमस्कार आप दूर दूर से आए हैं इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद आज देश में विचारधारा की लड़ाई एक तरफ आरएसएस बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वो नफरत फैलाते हैं वो सुबह उठकर हाफ पैंट पहनकर लाठी उठाते हैं और हम देश को जोड़ने का काम करते हैं हम प्यार और मोहब्बत से काम करते हैं ये बेसिक फर्क है बड़े बड़े भाषण होते हैं नरेंद्र मोदी जी के देश को बदलना है 70 साल में कुछ नहीं हुआ लाल किले से कहते हैं मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था मतलब गांधी जी ने कुछ नहीं किया सरदार पटेल जी ने कुछ नहीं किया जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर जी देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स देश की जनता देश के किसान देश के मजदूर देश के छोटे दुकानदार इन्होंने कुछ नहीं किया नरेंद्र मोदी आया और फिर उसने हिंदुस्तान में काम शुरू किया ये इनकी मेंटालिटी है इनकी सोच है और इनको ये भी समझ नहीं आता है कि जब ये ऐसे बोलते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं कर रहे हैं देश के हर नागरिक देश के हर व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी बोलती है हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारे नेता बोलते हैं गांधी जी के कोट्स आप पढ़िए सरदार पटेल जी के बारे में पढ़िए अंबेडकर जी नेहरू जी इनके बारे में पढ़िए ये सब बोलते हैं जो भी देश में होता है वो देश करता है जो भी देश में होता है वो देश का किसान करता है देश का मजदूर करता है देश का युवा करता है देश की माताएं बहनें करती हैं तो इनके लिए हिंदुस्तान एक प्रोडक्ट है हमारे लिए हिंदुस्तान समुद्र है इसमें सब लोग हैं एक साथ ये मिलकर चलता है उनके लिए हिंदुस्तान प्रोडक्ट है जैसे उनके प्रेसिडेंट कहते हैं सोने की चिड़िया है और प्रोडक्ट का पूरा फायदा उनके चंद 10 15 20 मित्रों को मिलना चाहिए यह फर्क है हम मनरेगा करते हैं हम किसान की कर्जा माफी की बात करते हैं 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं राजस्थान में गहलोत जी ने किया मध्य प्रदेश में किया छत्तीसगढ़ में किया पंजाब में किया कर्नाटक में किया और नरेंद्र मोदी जी किसान को भाषण देते हैं उनसे वायदे करते हैं और फिर 3.5 लाख करोड़ रुपए अनिल अंबानी नीरव मोदी मेहुल चौकसी ललित मोदी विजय माल्या का कर्जा माफ करते हैं देश को 15-20 लोगों के लिए चलाते हैं यह लड़ाई है हम कहते हैं देश सबका है और न्याय सबको मिलना चाहिए किसान को न्याय मिलना चाहिए
गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, छोटे दुकानदारों को न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। वो कहते ना किसान आत्महत्या करे तो ठीक है, पूरी देश की जनता लाइन में बैंक के सामने खड़े हो जाए, लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, गब्बर सिंह टैक्स लागू करना है तो करेंगे, 5 टैक्स लागू करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको नुकसान हो किसको ना नुकसान हो, फायदा 10-15 लोगों को होना चाहिए। और ये नया नारा निकला है चौकीदार, और ये कहीं भी बोल दो, आप कहीं भी जाके बोलो चौकीदार, जवाब मिलता है चोर, चौकीदार चोर। और पूरा देश जानता है कि चौकीदार ने चौकीदारी अनिल अंबानी की 15-20 उद्योगपतियों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की नहीं की, उल्टा चौकीदार ने इनसे चोरी करके उनको पैसा दिया है। अब ये सेवा दल का प्रोग्राम है तो थोड़ा सा मैं सेवा दल के बारे में बोलना चाहता हूं। और कांग्रेस प्रेसिडेंट आज स्टेज से पहला काम सेवा दल से माफी मांगने का करता है। और क्यों आप पूछोगे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट अपने ही संगठन कांग्रेस पार्टी के प्यारे संगठन से उनके अधिवेशन में माफी क्यों मांग रहा है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि जो आपकी जगह है कांग्रेस पार्टी के परिवार में, जो आपकी जगह है, जो आपको आदर मिलना चाहिए, वो आदर आपको नहीं मिला है। और मैं एक पर्सनल माफी भी मांगना चाहता हूं, मैंने कांग्रेस नहीं सुनिए मैंने कांग्रेस पार्टी की ओर से आपसे माफी, मगर मैं आपसे पर्सनल माफी भी मांगना चाहता हूं। आज अभी लाइनअप में सेवा दल के जो बिहार के चीफ है उन्होंने मुझसे एक बात बोली, उन्होंने मुझसे बोला कि बिहार में बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जबरदस्त मीटिंग हुई, लाखों लोग आए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने युवा कांग्रेस का नाम लिया, महिला कांग्रेस का नाम लिया, एनएसयूआई का नाम लिया, मगर सेवा दल का नाम नहीं लिया। तो मैं आपके सामने अपनी गलती मंजूर करता हूं और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि ये कभी नहीं होने वाला है आज के बाद। और इसका कारण है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के रक्षक, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूथ कांग्रेस नहीं है, एनएसयूआई नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं है, सेवा दल है। तो आपको मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आप हमारा सबसे जरूरी संगठन हो, और मैं चाहता हूं और मैं ये करूंगा कि जो आदर आपको मिलना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से हो, चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर से हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट से हो, वो आपको मिलेगा। अब मैंने आपसे माफी मांगी, मैं शिकायत भी करना चाहता हूं कि परिवार, जिस प्रकार से सेवा दल को जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए,
उस प्रकार, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले की बात कर रहा हूं, उस प्रकार सेवा दल ने काम भी नहीं किया। अब एक नई शुरुआत करनी है। कांग्रेस पार्टी सेवा दल को अपना सबसे जरूरी संगठन मान के चलेगी, मगर सेवा दल कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत संगठन बन के दिखाएगी। इसका मतलब कि लाखों नए युवाओं को सेवा दल में लाना पड़ेगा। जब आंधी आएगी, तूफान होगा, तो वहां पे सेवा दल के लोग या आपकी जो सफेद वर्दी है, सफेद टोपी है, वहां पे हजारों में दिखाई देनी चाहिए। जहां भी हिंदुस्तान को चोट पहुंचती है, दर्द होता है, जहां आरएसएस नफरत फैलाती है, जहां आरएसएस बांटने का काम करती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाती है, जैसे अभी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में आग लगा दी, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आग लगा दी, जहां भी आग लगाएंगे वहां प्यार के साथ आग को बुझाएंगे। मैं आपकी पूरी रक्षा करूंगा, आपका अपमान नहीं होगा, और आपको हम सबसे जरूरी संगठन बनाएंगे, मगर आपको आरएसएस के खिलाफ पूरे दम से, जहां वो नफरत फैलाते हैं वहां आप प्यार फैलाओ, जहां लाठी चलाते हैं आप जाके गले लगो। आपने पार्लियामेंट हाउस में देखा, एक तरफ नरेंद्र मोदी मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं, गाली देते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी का अपमान करते हैं, कहते हैं कांग्रेस पार्टी को मिटा दूंगा, और कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट लोकसभा में जाके उनसे गले मिलता है। और आपने उनका चेहरा देखा होगा, भाई और बहनों, नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत को प्यार ही काट सकती है। और मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला, जब मैं गले मिला, मेरे दिल में उनके लिए नफरत नहीं थी। और मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब मैं उनसे गले मिला, उनके अंदर जो नफरत थी, उस नफरत को मेरे प्यार ने दबा लिया। और मैंने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में देखा, पार्लियामेंट में देखा, उन्होंने मेरी ओर देखा, और उनके अंदर जो नफरत थी उसको वो संभाल नहीं पाए, हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, मेरी नफरत को प्यार ने कैसे काट दिया। और इस बात को हर आरएसएस के व्यक्ति ने देखा, देश के हर व्यक्ति ने देखा कि नफरत को एक सेकंड में प्यार काट देती है। और यह गांधी जी ने कहा, और यह आपकी हिस्ट्री, आपका इतिहास है। और मैं सेवा दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। यह इस देश का इतिहास है, इस देश की हिस्ट्री है। और आप देख लीजिए, सेवा दल की बात कीजिए, गांधी जी की बात कीजिए, अंबेडकर जी की बात कीजिए, उससे पीछे जाइए, वीरों की बात कीजिए, जिनको हम भगवान मानते हैं उनकी बात कीजिए। यह देश नफरत का देश नहीं है, यह देश प्यार का देश है, और यह आपका काम है, यह आपकी जिम्मेदारी है। आपको हम जगह देंगे,
आपको हम आदर देंगे, मगर आपको कांग्रेस पार्टी को रास्ता दिखाना पड़ेगा। जो आप ट्रेनिंग पहले करते थे, जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति करता है, दूर दूर से लोग आते हैं, कहते हैं मैंने 3 दिन की सेवादल की ट्रेनिंग की, उसके बाद मेरे खून में कांग्रेस पार्टी का, मेरा खून कांग्रेस पार्टी का हो गया, मेरा डीएनए बदल दिया। ये काम आपका काम है, और जो आप पहले करते थे वो आपको आज करना है, करना ही पड़ेगा। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ऐसी बड़ी मीटिंग की, चर्चा की, विचारधारा की बात की। मैं आपको बधाई देता हूं, और मैं आपको आने वाले समय के लिए अपनी और कांग्रेस पार्टी की पूरी शक्ति देता हूं। नफरत, देखिए, नफरत डर का दूसरा रूप होता है। डर के बिना नफरत नहीं हो सकती। जिसको लोग नफरत कहते हैं वो सचमुच में डर होती है। ये आप में उनमें फर्क है, ये नरेंद्र मोदी जी में मुझ में फर्क है। मुझ में और आप में नफरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर डर नहीं है। वो अपना डर दिखा नहीं सकते हैं, और डर को छुपाने के लिए वो नफरत दिखाते हैं। और ये सब आरएसएस के लोगों की बात है, और मैं उनसे कहना चाहता हूं, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, और यह रास्ता गांधी जी ने दिखाया था। गांधी जी के सामने दुनिया का सुपर पावर खड़ा है, कोई आवाज है, हवाई जहाज नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई धन नहीं। ठीक है, चश्मे की जरूरत थी तो चश्मा पहनते थे, छोटी सी घड़ी थी, अंग्रेजों के सामने खड़े होकर अंग्रेजों को हरा दिया। यह है कांग्रेस पार्टी, यह है सेवा दल। और उसी समय अभी मुझे बताया गया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अंग्रेजों ने सेवा दल को बैन किया। कौन से साल बैन किया, किस साल बैन किया? 1927 में अंग्रेजों ने सेवा दल को बैन किया, कहा कि हिंदुस्तान में संगठन नहीं हो सकता है, इसको खत्म करो। जैसे मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, वैसे अंग्रेजों ने कहा सेवा दल मुक्त भारत। आरएसएस को बैन नहीं किया अंग्रेजों ने, मगर सेवा दल को बैन किया। और गांधी जी सालों जेल में रहे, और हमारे नेताओं की लिस्ट निकालो, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अंबेडकर, आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पटेल जी, सबकी लिस्ट निकालो, उनके सामने लिखा है 15 साल जेल, 10 साल जेल। किसी ने माफी नहीं मांगी अंग्रेजों से, इनमें से एक व्यक्ति ने अंग्रेजों के सामने ऐसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी। सावरकर जी ने एक के बाद एक 9 बार अंग्रेजों से माफी मांगी, क्योंकि डर था उनमें। उस डर को गांधी जी ने मिटाया। सावरकर जी डर को नहीं मिटा पाए, इसलिए नफरत बाहर निकली। गांधी जी ने डर को मिटाया, प्यार बाहर निकला। तो आपको यही करना है,
डरने की कोई जरूरत नहीं, हम हराएंगे इनको, 2019 में हराएंगे, मिटाएंगे नहीं, हम मिटाएंगे नहीं, हम इनको खत्म नहीं करेंगे, इनका कत्ल नहीं करेंगे, इनको मारेंगे नहीं, मगर हराएंगे और प्यार से हराएंगे। तो आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं देश में कोने कोने में आपकी सफेद टोपी आपकी वर्दी देखना चाहता हूं। जहां आंधी हो, तूफान हो, हिंसा हो, नफरत हो, वहां मैं सेवा दल को देखना चाहता हूं और आपके प्यार को वहां देखना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हेलो, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। राकेश पारेख जी, कांग्रेस पार्टी के सब मंत्री, एमएलएज, कांग्रेस पार्टी के नेता, सेवा दल के हमारे सब वॉलंटियर्स, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप दूर दूर से आए हैं, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। आज देश में विचारधारा की लड़ाई, एक तरफ आरएसएस, बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, वो नफरत फैलाते हैं, वो सुबह उठकर हाफ पैंट पहनकर लाठी उठाते हैं और हम देश को जोड़ने का काम करते हैं, हम प्यार और मोहब्बत से काम करते हैं, ये बेसिक फर्क है। बड़े बड़े भाषण होते हैं नरेंद्र मोदी जी के, देश को बदलना है, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लाल किले से कहते हैं मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था, मतलब गांधी जी ने कुछ नहीं किया, सरदार पटेल जी ने कुछ नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी, देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स, देश की जनता, देश के किसान, देश के मजदूर, देश के छोटे दुकानदार, इन्होंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी आया और फिर उसने हिंदुस्तान में काम शुरू किया, यह इनकी मेंटालिटी है, इनकी सोच है। और इनको यह भी समझ नहीं आता है कि जब ये ऐसे बोलते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं कर रहे हैं, देश के हर नागरिक, देश के हर व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी बोलती है, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमारे नेता बोलते हैं, गांधी जी के कोट्स आप पढ़िए, सरदार पटेल जी के बारे में पढ़िए, अंबेडकर जी, नेहरू जी, इनके बारे में पढ़िए, ये सब बोलते हैं जो भी देश में होता है वो देश करता है, जो भी देश में होता है वो देश का किसान करता है, देश का मजदूर करता है, देश का युवा करता है, देश की माताएं बहनें करती हैं। तो इनके लिए हिंदुस्तान एक प्रोडक्ट है, हमारे लिए हिंदुस्तान समुद्र है, इसमें सब लोग हैं, एक साथ ये मिलकर चलता है, उनके लिए हिंदुस्तान प्रोडक्ट है। जैसे उनके प्रेसिडेंट कहते हैं सोने की चिड़िया है, और प्रोडक्ट का पूरा फायदा उनके चंद
10, 15, 20 मित्रों को मिलना चाहिए। यह फर्क है। हम मनरेगा करते हैं, हम किसान की कर्जा माफी की बात करते हैं, 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं। राजस्थान में गहलोत जी ने किया, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, पंजाब में किया, कर्नाटक में किया, और नरेंद्र मोदी जी किसान को भाषण देते हैं, उनसे वायदे करते हैं और फिर 3.5 लाख करोड़ रुपए अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या का कर्जा माफ करते हैं। देश को 15-20 लोगों के लिए चलाते हैं। यह लड़ाई है। हम कहते हैं देश सबका है और न्याय सबको मिलना चाहिए। किसान को न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, छोटे दुकानदारों को न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। वो कहते हैं ना, किसान आत्महत्या करे तो ठीक है, पूरी देश की जनता लाइन में बैंक के सामने खड़े हो जाए, लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, गब्बर सिंह टैक्स लागू करना है तो करेंगे, 5 टैक्स लागू करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको नुकसान हो किसको ना नुकसान हो, फायदा 10-15 लोगों को होना चाहिए। और ये नया नारा निकला है, चौकीदार, और ये कहीं भी बोल दो, आप कहीं भी जाके बोलो, चौकीदार जवाब मिलता है चोर, चौकीदार चोर, और पूरा देश जानता है कि चौकीदार ने चौकीदारी अनिल अंबानी की 15-20 उद्योगपतियों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की नहीं की, उल्टा चौकीदार ने इनसे चोरी करके उनको पैसा दिया है। अब ये सेवा दल का प्रोग्राम है तो थोड़ा सा मैं सेवा दल के बारे में बोलना चाहता हूं। और कांग्रेस प्रेसिडेंट आज स्टेज से पहला काम सेवा दल से माफी मांगने का करता है। और क्यों आप पूछोगे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट अपने ही संगठन कांग्रेस पार्टी के प्यारे संगठन से उनके अधिवेशन में माफी क्यों मांग रहा है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि जो आपकी जगह है कांग्रेस पार्टी के परिवार में, जो आपकी जगह है, जो आपको आदर मिलना चाहिए, वो आदर आपको नहीं मिला है। और मैं एक पर्सनल माफी भी मांगना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी की ओर से आपसे माफी, मगर मैं आपसे पर्सनल माफी भी मांगना चाहता हूं। आज अभी लाइनअप में सेवा दल के जो बिहार के चीफ है उन्होंने मुझसे एक बात बोली। उन्होंने मुझसे बोला कि बिहार में बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जबरदस्त मीटिंग हुई, लाखों लोग आए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने युवा कांग्रेस का नाम लिया, महिला कांग्रेस का नाम लिया, एनएसयूआई का नाम लिया, मगर सेवा दल का नाम नहीं लिया। तो मैं आपके सामने अपनी गलती मंजूर करता हूं और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि यह कभी नहीं होने वाला है आज के बाद। और इसका कारण है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के रक्षक, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूथ कांग्रेस ने सेवा दल में लाना पड़ेगा। जब आंधी आएगी, तूफान होगा, तो वहां पे सेवा दल के लोग या आपकी जो सफेद वर्दी है, सफेद टोपी है,
वहां पे हजारों में दिखाई देनी चाहिए। जहां भी हिंदुस्तान को चोट पहुंचती है, दर्द होता है, जहां आरएसएस नफरत फैलाती है, जहां आरएसएस बांटने का काम करती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाती है, जैसे अभी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में आग लगा दी, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आग लगा दी, जहां भी आग लगाएंगे वहां प्यार के साथ आग को बुझाएंगे। मैं आपकी पूरी रक्षा करूंगा, आपका अपमान नहीं होगा, और आपको हम सबसे जरूरी संगठन बनाएंगे, मगर आपको आरएसएस के खिलाफ पूरे दम से, जहां वो नफरत फैलाते हैं वहां आप प्यार फैलाओ, जहां वो आप